नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव की तैयारी में भाजपा कमर कस चुकी है। इसका आगाज अमित शाह ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन से तो किया ही, और मौजूदा केजरीवाल सरकार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया देश में दंगा फैलाने के नाम पर। लेकिन आज कहीं ना कहीं भाजपा नागरिकता बिल पर बैकफुट पर आने को ना तैयार होते हुए इसको घर घर पहुंचाने की तैयारी में है। और अमित शाह ने दिल्ली के चुनाव के साथ साथ पूरे देश में हर घर नागरिकता पहुंचाने का यह एक नया प्रयोग शुरू किया है, जो आज लाजपत नगर से देखने को मिला। इसी बहाने भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को साधने की फिराक में है। आइए देखते हैं आज लाजपत नगर में घर घर नागरिकता कार्यक्रम में क्या रहा। के नारे के साथ घर घर नागरिकता का नारा लेकर मेरे सामने मौजूद है श्याम जाधव जी। श्याम जी, ऐसा क्या लग रहा है कि आज सड़क पर घर घर हमें नागरिकता को समझाने की जरूरत पड़ रही है? नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद देश में जिस प्रकार को देश को बहला बहकावे में लाने का काम हो रहा है, विपक्षी लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इस देश के कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसको भी इस नागरिकता बिल से कोई धोखा नहीं है। विदेशों में रहने वाले जो माइनॉरिटीज है, वो जो वहां से प्रताड़ित होकर इस देश में अगर आए, तो उनका स्वागत, उनको सम्मान और उनको सुरक्षा इस बिल में पारित है, ये कहने के लिए आज से हमारी जन जागरण मुहिम शुरू हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि चूंकि आप लोग जिस तरीके से सारे मुद्दे जो बवाल वाले थे खत्म करते जा रहे थे, तो विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं था, इसलिए पोलराइजेशन का नारा कर रहे हैं? इसके पहले की सरकार में इस प्रकार के दमखम निर्णय लेने का साहस नहीं था। आज की लीडरशिप भारत की ऐसी है, वो इस प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका मतलब दिल्ली में इस बार माने की नागरिकता के सहारे भाजपा अपनी नई आपा लगाएगी? हम ये सब विषय अपने वोट बैंक के लिए कभी यूज नहीं करते। वैसे नागरिकता संशोधन विधेयक के लाभार्थी दिल्ली में 2-3 हजार होंगे। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए विषय नहीं है, ये हमारा सैद्धांतिक विषय है, देश की सुरक्षा का विषय, देश के सम्मान का विषय। धन्यवाद श्याम जाजू जी ने, जिन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से बताया कि यह नागरिकता का सवाल है, वोट का सवाल नहीं है। शायद भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, प्रभारी श्याम जाजू जी, इन सब का जो मतलब है, मतलब साफ है कि दिल्ली की आबोहवा में भाजपा किस तरीके से काबिज हो, इसमें यह नागरिकता मददगार होगी। दिल्ली की आधी आबादी की बुलंद आवाज मीनाक्षी लेखी जी के साथ हैं, जो एक हरदिल अजीज सांसद होने के साथ साथ समाज और राजनीतिक मुद्दे पर हमेशा प्रखर बात करती हैं। मीनाक्षी जी, आज ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने एक जंग की शुरुआत की है, जंग ऐसी जो भ्रामकता फैलाई जा रही है उसके खिलाफ। तो ये जो घर घर नागरिकता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घर घर जाकर जो नागरिकता कानून में बदलाव आया है, उसका संदेश हर घर तक पहुंचाना है, ताकि जो भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उस भ्रमित वातावरण का कोई शिकार ना हो और देश के साथ सब लोग खड़े हुए मिले। और जिस प्रकार से खास तौर पर भारत में जो नानकाना साहब में हुआ, वो एक केवल उदाहरण है। ऐसी तमाम घटनाएं लगातार 47 के बाद भी घटती रही हैं, जिसके प्रताड़न के कारण बहुत सारे लोग भारत में समय समय पर आते रहे हैं और उनके नागरिकता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। और आज कांग्रेस पार्टी पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने उन लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी। आपने शायद कहीं ना कहीं नागरिकता के सहारे कांग्रेस को आखिरी चोट दे दी उसके खात्मे की। क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि सारे मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए विपक्ष इस तरीके का बवाल इस पे मचाने की कोशिश कर रहा है? बवाल वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात है। जो लोग 30 साल 20 साल 25 साल 15 साल से देश में पड़े हुए हैं, वो किस किस दर्जे से पड़े हुए हैं, या तो आपका कानून के मुताबिक उनको वापस भेजने का इंतजाम हो और या उनको नागरिकता देने का प्रावधान हो। अब असली बात तो यह है कि ये उनको वापस भेज नहीं सकते, कोई भी नहीं भेज सकता, क्योंकि वो प्रताड़ित वर्ग है। वो तो कहते हैं हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, और ना ही उनको नागरिकता दी जा रही। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्रवाई की है और इस कार्यक्रम को उठाया है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके का बवाल पूरे देश भर में इन लोगों ने मचाया, ख़ास तौर पर दिल्ली में मचाया, तो उसके खिलाफ ये आवाज़ है। धन्यवाद मीनाक्षी जी। हमें लगता है कि शायद
ऐसे सीधी सपाट भाषा में लोगों को नागरिकता समझ में आए। शाह जी आज से नागरिकता पर जंग का आगाज कर रहे हैं, वहाँ हम खड़े हैं जंगपुरा से पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री और एडवोकेट नलिन जी के साथ। नलिन त्रिपाठी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हमेशा प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी के बाद घर घर नागरिकता की जरूरत क्यों पड़ी। सीए के बारे में जो नागरिकता संशोधन बिल आया है उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं, लोगों को भ्रमित किया गया है। इसलिए अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि हर भाजपा का कार्यकर्ता घर घर जाएगा और लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या ये बताना है। ये किसी को भगाने का अधिनियम नहीं है, ये लोगों को, जो लोग हमारे हिंदू भाई आए हुए हैं शरणार्थी के रूप में, उनको नागरिकता देने का अधिनियम है। जो ये भ्रामकता फैलाई जा रही है कि आप भारत में हैं, आपको अपना होने का वजूद का प्रूफ देना पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विश्व में सबके पास एक रजिस्टर बना है जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस कहा जाता है। यहाँ अगर उसका अभी कोई उन्माद है ही नहीं, वो पास ही नहीं हुआ। सीए के लिए लोगों ने भ्रमित किया एनआरसी से लिंक करके, इसलिए सीए के बारे में बताने की बात की जा रही है। नलिन जी, हमें लगता है कि जंगपुरा विधानसभा में कम से कम घर घर नागरिकता फैलाने का काम करेंगे, आपका कोई संदेश? हमारा संदेश, सबको भाईचारा मचाना बनाए रखना चाहिए, अमन चैन शांति होना चाहिए। हम लोग जैसे पहले भी मिलजुल के रहते थे साथ में, वैसे ही मिलजुल के रहते रहेंगे। क्या आप ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि नागरिकता खोने का डर है या जिनको ये इस बात से डराया जा रहा है, उनको लेकर के आप कोई कवायद कर रहे हैं? देखिए, हम इसीलिए घर घर जा रहे हैं, लोगों को बताएंगे, हर बस्ती में, हर झुग्गी में, हर जगह जाएंगे कि ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिए। हम लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि किसी को बाहर निकाला जा रहा है यहाँ से। लोगों को नागरिकता एडिशनल दी जा रही है, जो हिंदू शरणार्थी यहाँ बसे हुए हैं पुराने। बड़ी सीधी और सपाट शब्दों में नलिन जी ने शायद संदेश दिया है, यही भाजपा का हर कार्यकर्ता संदेश दे रहा है। देखना ये है कि घर घर नागरिकता के सहारे भाजपा लोगों को इसके डर से कितना निजात दिला पाते। मोदी है तो 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 मोदी है तो। महेंद्र जी, नागरिकता के उस पर आप घर घर जा रहे हैं किस मकसद के साथ? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं जो कांग्रेस और दूसरी विपक्ष पार्टी एक रूमर फैला रही है, लोगों को मिसगाइड कर रही है, गुमराह कर रही है, उन सब चीजों को बताने के लिए जा रही है। किसी के लिए बिल नहीं है। ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको सदस्यता देने के लिए, भारत की नागरिकता देने के लिए ये बिल लाया गया है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल अपना लाभ लेने के लिए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है तो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए, कितनी सीधी सी बात, सपाट सी बात कि लोगों के पास शायद मुद्दा नहीं था, यह भाजपा का हर कार्यकर्ता जानता है कि यह मुद्दे की बनावटी एक रचना है जिसको शायद तोड़ने के लिए भाजपा इस समय घर घर है।